Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है सोमवार और ये व्लॉग कल का ही है, यानी कि संडे का. सो अब तो सारे ही त्यौहार दो दो दिन मनाए जाने लग गए हैं. सबसे पहले तो ये झालर वाला दुपट्टा देख लीजिए. ये तकरीबन 2021 में दोनों बच्चों ने मिलके मुझे दिया था बर्थडे गिफ्ट. तो चलिए, सुबह का समय है, आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग. और ये बंदा उठा हुआ है सुबह से, जब से मैं उठी हूँ, शायद मुझसे भी 5-10 मिनट पहले से. कैसे देख रहा है, देखिए, उसको पता है कि जैसे ही कैमरा ऑन होता है ना, वैसे ही नखरे दिखाना शुरू करता है. एक्चुअली उसको पसंद नहीं है कि कोई भी उसकी शूटिंग करे या फिर फ़ोटो ले. तो बस आज ये वाला सूट कम से कम 1 साल के बाद निकाल के पहना है. अलमारी में बस सूट निकाल ही रही थी तो ये हाथ पे लग गया, सो यही पहन लिया. सो उठी तो काफ़ी सुबह की थी, वो ये कि थोड़ा रुक गई कि ज़रा सा जैसे टाइम हो जाए उसके बाद मैं नहाऊंगी. तो ठंडी अभी बहुत पड़ रही है. आप लोग ये वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, मेरी YouTube फैमिली कहाँ कहाँ से ये वीडियो देख रही है, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा. और आपके शहर में या आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ कैसी ठंड पड़ रही है, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा. क्योंकि ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि कलकत्ता में अभी अच्छी खासी ठंड पड़ रही है. अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, इस टाइम पर 13 डिग्री है और रात में और भी ज़्यादा मतलब टेम्परेचर डाउन हो जा रहा है. सो यहाँ लगा ली थी मैंने सनस्क्रीन. और ठंड ऐसी लग रही थी कि हाथ पैर बिल्कुल ठंडे हो रखे थे और नाक भी ठंडी हो गई थी. सो पूजा करते ही सबसे पहले मैंने पहना है स्वेटर. अभी ये बहुत काम में आ रहा है, इससे काम करने में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, बट वही है कि हाथ से ज़रा ये थोड़ा गीला गीला सा हो जाता है. और यहाँ स्वेटर पहनने के बाद में फिर मैं गई हूँ छत पे अपने पक्षी दोस्तों से मिलने के लिए. सो यहाँ रोटी ले ली थी और 3-4 मैंने बिस्किट भी ले लिए थे, वही वाले बिस्किट ले लिए जो मैं खाती हूँ. सो जो मैं खाती हूँ ना, वही मैं पक्षी को भी खिलाती हूँ और वही मैं कभी कभी जाती हूँ गौशाला तो वहाँ गाय को खिलाती हूँ. और बस चाय वगैरह बनाने के लिए चढ़ा ही रही थी कि मम्मी आ गई. और संक्रांति का दिन था सो तिल की गजक वगैरह लेकर आई थी, तो बड़ा अच्छा लगा क्योंकि मम्मी आती नहीं है और साल में एक ही बार आती हैं जब बर्थडे वगैरह होता है. तो ये लेकर के आई हैं तिल की गजक. अब वहाँ जैसे आगरा या जयपुर वगैरह से मंगाऊँ ना, वो टेस्ट तो खैर ये डब्बे वालों में नहीं रहता है, वो तो बहुत टेस्टी रहती है. बस मम्मी ये लेकर के आई थी, उसके बाद मैंने बोला आप बैठिए मैं चाय बनाती हूँ. मेरा भी नाश्ता करने का ही टाइम था. एस्ट्रो को मैं नाश्ता मतलब खाना खिला ही चुकी थी और उसके बाद में मैंने यहाँ पे बैठ के आराम से नाश्ता किया है, चाय पी है और ढेर सारी बातें की हैं मम्मी से. बस थोड़ी देर मम्मी बैठी, उसके बाद वो चली गई थी. अब तो ये देखने को मिलता है कि हर त्यौहार दो दो दिन मनाए जाने लग गए हैं. चलिए सबसे पहले तो मकर संक्रांति का दिन है, तो ये तिल की जो गजक है आप सबके लिए है, आप लोग भी आइए टेस्ट कीजिए. सो यही है कि दो दो दिन मनाए जाने लग गए हैं. 14 जनवरी मनाई ही जाती है मकर संक्रांति, अब 15 जनवरी भी मनाई जा रही है, तो ऐसे ही है. और जैसे जन्माष्टमी भी मैं देखती हूँ कि दो दो दिन मनाई जाती है, तो इस तरीके से ज़्यादातर त्यौहार दो दो दिन ही मनाए जाते हैं. सो सिंपल सा खाना बनाया था, डेली वाला जो खाना होता है, डेली मील आइडिया ज़्यादातर मैं आपके सामने लेकर के आती हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ समझ नहीं आता है भाई क्या बनाया जाए. सुबह अब कुछ बना लिया, अब शाम को क्या बनाया जाए, तो यही रहता है. सो गोभी रखी हुई थी और आलू मैंने नहीं डाला है, आलू बहुत ज़्यादा डल रहा है. सो गोभी मटर की सब्ज़ी बनाई थी. यहाँ तेल गरम हो गया, थोड़ा सा जीरा डाला है और एक बड़ी प्याज काट ली थी मैंने, एक बड़ी साइज़ की प्याज लंबाई में, तो वो डाल दी है. और हरी मिर्ची ये चिल्ली कटर में कर लिया था, तो बनाई थी मूंग और मसूर की दाल. सो वो नींबू धनिया वाली जो बनाती हूँ, यही सिंपल सा खाना बनाया था, दाल चावल गोभी मटर की सब्ज़ी, थोड़ी डिफरेंट टाइप की बनाऊंगी, अभी आपको रेसिपी देती हूँ. और उसके साथ में रोटियाँ तो 100% बनती ही हैं. सो बस यहाँ पे प्याज हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो गई तो मैंने दाल को डाल दिया है.
और थोड़ा सा भुना है, बहुत ज़्यादा नहीं भुना है, बस ये जितना मैंने चलाया है दैट्स इट। हिसाब से पानी डाल रही हूँ और लगाई थी मैंने इसमें 3 सीटी। और यहाँ चढ़ा दी थी कढ़ाई मैंने, कढ़ाई में हल्दी डाली है और गोभी मटर डाल रही हूँ। बस इसको हल्का सा फ्राई करूँगी और सारे मसाले ऊपर से ही डाल के बनाऊँगी। तो इसके लिए कोई मसाला मैंने पीसा नहीं है और मैंने काट के भी नहीं डाला है प्याज वगैरह। तो यहाँ ये किचन के लिए थोड़ा सामान मैंने मंगाया था, चावल दाल वगैरह जो थोड़े थोड़े ख़त्म हो गए, 5 किलो चावल। सो बोरी इतनी ज़्यादा भारी थी ये, और उसके बाद में वो भैया खड़े हुए थे, फिर वही है कि एकदम से चेंज मांगते हैं, चेंज इतना घर में रहता नहीं है। कैसे कैसे मैंने अरेंज करके एक दो जो मेरे पर्स हैं सब में से चेंज निकाल के इनको दिया है, पूरा हिसाब इनका किया, फिर ये चले गए। और उसके बाद में यहाँ बस वही है कि सामान थोड़ा मंगाया था तो बस उसी को सब कुछ मैंने डब्बों में भर के पहले रखा है ताकि जगह थोड़ी खाली हो जाए। और फिलहाल के लिए मुझे जो चावल बनाने थे वो भी मैंने साथ के साथ ही निकाल लिए। इस डब्बे में ये देखने में छोटा लगता है बट इसमें 10 किलो चावल आराम से आ जाता है। फिर भी मैं 5-5 किलो मंगा के रखती हूँ। और मूंग की दाल ख़त्म हो गई थी सो मूंग की दाल 1 किलो मंगा ली है। अब इकट्ठा जब निकलूँगी तब राशन लेकर के आऊँगी। सो ये सब भर के रख दिया और उसके बाद में फिर ये गोभी और मटर थोड़ा फ्राई हो गया था, थोड़ा सॉफ्ट हो गया, तो ये 2 टमाटर मैंने चॉपर में कर लिए थे वो डाल दिए हैं। लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पहले ही डाल दी थी, धनिया पाउडर, दैट्स इट। इसको मिक्स करके और स्लो गैस पे मैं ढक दूंगी। उससे पहले मैंने डाला है 1 छोटा टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट का। सो इस सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, ये बच्चों को भी पसंद आएगी बड़ों के साथ साथ। तो ये लंच बॉक्स, टिफ़िन बॉक्स सबके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। बस ये है कि सब्जी को आप रात में काट के रख लीजिए तो सुबह कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें लग गई थी 3 सीटियाँ, मैंने रई चला दी है और नींबू हरा धनिया डाल दिया तो दाल भी यहाँ बन के रेडी हो गई थी। और एक तरफ मैंने चढ़ा दिया था चावल। तकरीबन 10 मिनट के बाद मैंने कढ़ाई का ढक्कन खोला है और सब्जी बन गई है। गोभी वैसे भी जल्दी गल जाती है तो इस तरीके से चमचे की सहायता से इसको पूरा तोड़ दीजिए, एकदम एक सार हो जाएगी ना तो बहुत टेस्टी लगती है खाने में। रोटी, पूड़ी, पराठे किसी में भी आप खाइए। थोड़ा सा गरम मसाला डाला है और हरा धनिया डालूंगी। सो सब्जी बन के ये वाली भी रेडी हो गई। एंड नाउ आई एम गोइंग टू अनाउंस 3 lucky winners ऑफ Zook giveaway: स्वाति अग्रवाल, नीतू 760 एंड लावण्या एम सरावनन। सो काइंडली शेयर योर एड्रेस टू गेट योर गिव अवे प्राइज एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। और तब तक यहाँ चावल भी बन गए। सो गोविंद भोग चावल तो वैसे भी बहुत जल्दी बन जाते हैं, मतलब चावल चढ़ाओ और 5-7 मिनट में ही चावल बन के रेडी है। सो यहाँ बन गए थे चावल, उसके बाद यहाँ काम कंप्लीट हो गया था, रोटी वगैरह सारा सब कुछ मैं बना चुकी हूँ। और उसके बाद फिर मैंने मंदिर की लाइट को किया है बंद, छोटा वाला बल्ब जलाया है और फिर मैं गई हूँ बालकनी में कपड़े लगाने के लिए। तो इस टाइम पे लगा दो, अभी तो खैर बहुत अच्छा पानी का प्रेशर आ रहा है मशीन में तो जल्दी भी धुल जाते हैं। ये 4 दुपट्टे मैंने नहाते वक्त धोए थे और सुखाना वही है, भूल जाती हूँ, फिर काम में दूसरे में लग जाती हूँ ना तो इतना याद नहीं रहता है। तो वॉशरूम गई थी तो तब मैंने देखा कि मैंने तो दुपट्टे सुखाए ही नहीं हैं, तो यहाँ दुपट्टे सुखाए हैं। और उसके बाद फिर मैंने एज सच कुछ शूट नहीं किया दोपहर में। अब मैं आपसे मिल रही हूँ रात को, यानी कि अब हो रहा है सोने जाने का टाइम। तो बस यहाँ पे मुँह हाथ धो के नाइटी चेंज की है मैंने और छोटू सा जो मेरा स्किन केयर होता है तो मुंह हाथ धोया है, गुलाब जल और एलोवेरा थोड़ी देर पहले लगा लिया था, उसके बाद यहाँ अप्लाई कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र। तो हाथ पैरों में भी अच्छी तरीके से मॉइस्चर करके ही सोया कीजिए क्योंकि सारा दिन हम काम करते हैं ना किचन में पानी में।
तो मॉइस्चर ज़रूर से करके सोना चाहिए। और बस उसके बाद मैं आराम से लेटी हूँ और जल्दी सो गई थी। सो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, वीडियो में कहीं भी कुछ भी अगर आपको पसंद आया हो तो आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा।